वेलकम दोस्तों, आ गए आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मैप टेक्निकल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसा अपडेट जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। उसमें क्या है, आईफोन ने अपना जो है नया सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बड़े आइकन को दबाइए जिससे आपको वीडियो अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रही। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करें। अभी 13 में चेक करता हूं मैं। अगर आप अपडेट पे जाके चेक करेंगे, अगर अपडेशन पे आप लगाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 16. सभी फ़ोनों में 16.1 काम कर रहा था, अभी 16.1.1 का अपडेट आ गया है। ये देखिए 296 MB का है मात्र। हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं आइए हम लोग बात करते हैं। पहले मैं उसको लगाता हूँ अपडेट के लिए। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर नेटवर्क में अगर आप जाएंगे नेटवर्क सेटिंग में, आपको वहाँ पे जियो 4G का ऑप्शन देगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन चेंज होने के आ जाएंगे अपडेट के बाद। अभी अपडेट से पहले दिखा रहा हूँ, आप अगर ध्यान दें, ये देखिए दिख रहा हो आपको, अपडेट हो गया है 300 MB का। वेरीफाई अपडेट हो रहा है, इसके बाद हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि ये देखिए मेरा फ़ोन जो है 16.1.1 पे अपडेट हो गया है। और इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर। दोस्तों अगर हम सेटिंग की बात करते हैं, सेटिंग में आप लोग जाएंगे देखेंगे यहाँ पे हमको, तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन और चेंज हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले वेट का ऑप्शन देखा था कि ये वेट वाला ऑप्शन हमारा शो कर रहा है। इसके अंदर हमारा क्या था, इसके अंदर आप जो है कार्ड को अपने ऐड कर सकते हैं। कार्ड में जो है अपनी की भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके ये आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। दूसरा जो मैं आपको बताया था 5G वाला, यही गड़बड़ी कर दी यहाँ पे। यहाँ दो अपडेट आईफोन ने किए हैं, एक किया है 16.1.1 जो कि हमारा फ़ोन अभी चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस पे जाएंगे अपडेट में, सब अबाउट पे जाएं चेक करें, ये देखिए 16.1.1 पे हमारा ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। इसके अंदर हमारे जितने और जो इसमें प्रॉब्लम और भी आ रही थी जो कि वाईफाई से रिलेटेड थी, अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड तब भी आपका जो है सिम के नेटवर्क पे आपका फ़ोन जो है वर्क कर रहा था। ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पे दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे आईफोन सॉल्व कर दिए। और इसका अगला अपडेट बीटा वर्जन रिलीज हो गया है, और जैसे ही ये 16.2 हमारा जैसे 16.2 भी जल्दी आने वाला है, जैसे उसमें आएगा उसमें 5G का ऑप्शन दे देंगे। यहाँ पर जो है आईफोन ने 16.1 या 16.2 में कमिटमेंट की थी, 16.1 में देखा गया तो ये वाला अपडेट इसमें नहीं है। तो ये बात कंफर्म है कि 16.2 में 5G का अपडेट 100% आने वाला है, जो कि आ भी गया है। बीटा वर्जन में सभी को देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी स्टेबल वर्जन उसका सभी के लिए रिलीज नहीं किया गया है, इसलिए जो है अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मोबाइल डाटा पर जाएंगे तो यहाँ 4G शो कर रहा है, और जैसे ही जो है 16.2 अभी सभी फ़ोनों के रिलीज होता है, देखेंगे आपको यहाँ पर 4G और 5G दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा 16.1.1 में 5G का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि 16.2 में 5G का सपोर्ट, 16.2 बीटा वर्जन में जो है रिलीज कर दिया गया है। अभी स्टेबल वर्जन सभी के लिए नहीं आया है, जल्द ही जो है 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर वो हमें सभी फ़ोनों में मिल जाएगा। वैसे ही जैसे हमारे फ़ोन में वो अपडेट आएगा वैसे हमारा फ़ोन 5G सपोर्ट में स्टार्ट हो जाएगा। 16.2 में अपडेट सभी के लिए अवेलेबल हो गया है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आप जाना चाहते हैं जैसे ही मेरे फ़ोन में आता है स्टेबल सभी के लिए होगा, मैं तुरंत वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। के लिए गुड बाय।